वेलकम टू राजमाता विद्या विहार ऑनलाइन क्लास कंटिन्यू द चैप्टर थ्री विंडोज़। ओके, जो हमारा चैप्टर थ्री विंडोज़ है वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। द बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड टास्क बार। ओके, डेस्कटॉप के नीचे की जो बार है हमारा, डेस्कटॉप के नीचे देखो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर की आपकी लाइनिंग वाली पट्टी यहाँ पे जो दिख रही है वो है हमारा टास्क बार। ओके, उसे क्या बोलते हैं हम, टास्क बार। इट शोज द करंट स्टेटस ऑफ प्रोग्राम्स यू आर वर्किंग इन, मीन्स के उसमें क्या होता है कि करंट में आपने जो भी प्रोग्राम ओपन किया है वो आपको स्टेटस में दिखाता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल दो आपको प्रोग्राम ओपन करके दिखे हुए, देखो यहाँ पे पिक्चर्स में ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है कि एक आपका वर्ड प्रोग्राम ओपन है और दूसरा माइक्रो मीडिया प्लेयर। ओके, मैक्स। ओके, तो जैसे ही आपको जो भी प्रोग्राम आपके ओपन होंगे वो सारे प्रोग्राम के आइकॉन्स आपको टास्क बार में दिखाई देते। फिर टास्क बार के लेफ्ट साइड में क्या है आपका, तो यहाँ पे टास्क बार के लेफ्ट साइड में आपका स्टार्ट बटन और राइट साइड में है डेट एंड क्लोज। ओके, व्हेनेवर यू ओपन अ प्रोग्राम फोल्डर और फाइल विंडोज शोस इट्स आइकॉन बटन्स ऑन द टास्क बार। ओके, आप जब भी कोई प्रोग्राम ओपन करते हो या फाइल या फोल्डर है तो विंडोज़ का आइकॉन आपको वो टास्क बार में दिखाता है। ओके, जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, इन द अबो पिक्चर टू प्रोग्राम्स आर ओपन, वर्ड एंड विंडो मीडिया प्लेयर एंड ईच हैज इट्स ऑन बटन ऑन द टास्क बार। ओके, ऊपर के पिक्चर में हमारे दो प्रोग्राम ओपन है, कौन कौन से, तो है वर्ड और मीडिया प्लेयर, कि मीन्स कि आप वर्क करते करते आप सॉन्ग्स भी सुन सकते हो। ओके, तो वो दोनों के आइकॉन्स आपको टास्क बार में वहाँ पे दिखाई दे रहे। इफ़ यू प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर अ प्रोग्राम बटन ऑन द टास्क बार यू कैन सी अ टाइनी प्रोग्राम विंडोज। अगर आप वो प्रोग्राम के वो आइकॉन के ऊपर माउस पॉइंटर ले जाते हो तो आपको टास्क बार में उसकी स्मॉल पिक्चर, स्मॉल विंडोज आपको वहाँ पे दिखाई देती है। जैसे कि यहाँ पे है, अगर आप ये वर्ड प्रोग्राम के ऊपर आपका ऐसे माउस पॉइंटर ले जाते हो तब आपका ये वाला पिक्चर आपको यहाँ पे शो करेगा, मीन्स कि ये वर्ड की जो दो फाइल आपकी बनाई है, दो डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किए, तो वो दोनों चीज़ उसकी छोटी साइज में आपको वहाँ पे दिखाई देती है। और उसको बड़ी करनी है तो कोई भी एक विंडो से आपके यहाँ पे तो उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो बड़ी साइज में हो जाती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर अ वर्ड आइकॉन बटन ऑन द टास्क बार यू कैन सी टू स्मॉल विंडोज, दिस मीन्स दैट द टू वर्ड प्रोग्राम विंडोज आर ओपन। उसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे वर्ड प्रोग्राम में आपके दो विंडोज बने हुए, मीन्स के दो डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किए, दो फाइल है आपकी। ओके, टू एनलार्ज द विंडोज जस्ट क्लिक एनीवेयर इन द स्मॉल विंडोज। जो मैंने पहले ही बोला कि जैसे कि आपका एनलार्ज विंडोज है, विंडोज को बड़ी साइज में करना है, तो जो आपकी ये स्मॉल साइज विंडोज है उसमें कहीं पे भी क्लिक करोगे तो वो बड़ी साइज में आपका ओपन हो जाएगा। फिर है आपका स्टार्ट मेनू, ऑन द टास्क बार क्लिक ऑन स्टार्ट बटन यू विल सी द स्टार्ट मेनू। ओके, स्टार्ट बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका स्टार्ट मेनू ओपन होता है। फिर ये यूजिंग द स्टार्ट मेन्यू यू कैन स्टार्ट प्रोग्राम, ओपन डॉक्यूमेंट्स, गेट हेल्प एंड डू मच मोर। ओके, स्टार्ट मेन्यू का यूज़ करके आप प्रोग्राम्स, आपके डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारे वर्क आप कर सकते हो। डिपेंडिंग ऑन हाउ योर कंप्यूटर इज सेट अप द आइटम्स ऑन द स्टार्ट मेन्यू में चेंज। ओके, तो डिपेंडिंग जैसे आपने कंप्यूटर को सेटअप किया है उसके अकॉर्डिंग वो उसमें स्टार्ट मेन्यू में प्रोग्राम्स होते हैं, मीन्स के हर एक कंप्यूटर में अलग अलग टाइप के होता है। सम आइटम्स ऑन द स्टार्ट मेन्यू हैव अ स्मॉल राइट फेसिंग एरो। ओके, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम है जिसके बाजू में आपको यहाँ पे स्मॉल एरोस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो पिक्चर्स में आपको यहाँ पे ऐसे स्मॉल एरोस यहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर उसके वहाँ पे माउस पॉइंटर ले जाओगे और क्लिक करते हो तो उसके अंदर के मतलब प्रोग्राम की लिस्ट आपको वहाँ पे दिखाई देते हैं, मीन्स के सब मेनू में से आप दूसरा मेनू ओपन कर सकते हो, उसे बोलते हैं हम सब मेनू। या फिर आपको ऑल प्रोग्राम में आपका वहाँ पे जहाँ स्टार्ट मेनू ओपन किया वहाँ पे नीचे लास्ट में आपका ऑल प्रोग्राम उसके ऊपर क्लिक करोगे तो भी आपके दूसरे प्रोग्राम की लिस्ट ओपन होती है, वो भी है हमारा सब मेनू। ओके, तो वही हमें यहाँ पे बोला गया है कि द ऑल प्रोग्राम सब मेनू डिस्प्ले मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स एंड फोल्डर इन द कंप्यूटर। ऑल प्रोग्राम का जो ये सब मेनू है वो भी हमारे कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम्स और फोल्डर्स सेव हुए हैं उसकी पूरी लिस्ट वहाँ पे शो करता है। फॉर एग्जांपल कैसा होता है कि कैलकुलेटर है, नोटपैड, वर्ड पैड, वर्ड पेंट प्रोग्राम, ऐसे सारे प्रोग्राम की विंडोज वहाँ पे आप दे सकते हो। ओके,
फिर है शटिंग डाउन विंडोज़। अब हमने प्रोग्राम ओपन किया है, कंप्यूटर ऑन किया है, तो बंद को करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करना है, तो स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है जो टास्क बार में है। जैसे ही स्टार्ट बटन के ऊपर वहाँ पे क्लिक करते हो तो उसके बाजू में यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, शट डाउन वाला। ओके, ये शट डाउन है, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा। ओके बच्चों, इसकी एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी क्लास में भी करवा दी है और माधव विद्या संकुल ऐप में असाइनमेंट में भी डाल दी है। तो इसकी एक्सरसाइज भी आपको लिखनी है नोटबुक वर्कबुक में और एग्ज़ाम के लिए भी आपको ये सब रीड करना है। ओके बच्चों, बाय, प्रणाम।